नील नितिन मुकेश बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक यंग टैलेंटेड एक्टर है जिन्होंने हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। तो दोस्तों आज मैं नील नितिन मुकेश का बॉक्स ऑफिस क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप हो नील नितिश के फैन तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, जॉनी गद्दार। ये 2007 का नियोनायर थ्रिलर फिल्म है जिसको डेट किया है श्रीराम ने और इसमें नील नितिन, धर्मेंद्र, जाकिर हुसैन और रिमी हुसैन लीड रोल में है। इसमें एक करप्ट पुलिस ऑफिसर दौरान कैसे 5 आदमी ने एक ड्रग डील में फंस जाते हैं वह इसमें दिखाई गई है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं रहा पर ऑडियंस के हिसाब से सक्सेसफुल रहा और इसका एमटी रेटिंग मिला 7.8 out of 10 और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर टू, आ देखे जरा। ये 2009 का साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डिरेक्ट किया है जहांगीर सूरती ने और इसमें नील नितिन मुकेश और विपाशा बसु लीड रोल में है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर थ्री, न्यूयॉर्क। ये 2009 का स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसको डिरेक्ट किया है कबीर खान ने और इसमें जॉन अब्राहम, नील नितिन, कैटरीना कैफ लीड रोल में है। इसमें तीनों फ्रेंड न्यूयॉर्क में हैप्पीली लाइफ लीड करते हैं पर अचानक इन तीनों के लाइफ में चेंज आता है जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का 9/11 टेररिस्ट अटैक का सामना करना पड़ता है और इसका एमडी रेटिंग मिला 6.8 out of 10 और इसका बजट था 22 करोड़। इंडियन कलेक्शन था 45 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 75 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर फोर, जेल। ये 2009 का प्रिजन ड्रामा फिल्म है और इसमें नील नितिन मुकेश, आर्या बाब्बर, मनोज बाजपाई लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर फाइव, लफंगे परिंदे। ये 2010 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है प्रदीप सरकार ने और इसमें नील नितिन मुकेश, दीपिका पादुकोण लीड रोल में है। इसका एमडी रेटिंग मिला 5.2 out of 10 और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। नंबर सिक्स, सात खून माफ। ये 2011 का ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है विशाल वाडवाज ने और इसमें प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में है और साथ ही साथ इसमें इरफान खान, अन्नू कपूर, नील नितिन मुकेश और जॉन अब्राहम लीड रोल में है। इसमें सुसाना प्यार के लिए पागल है और इसलिए वो परफेक्ट आदमी ढूंढने के लिए कैसर से शादी करती है जहाँ पर उसके हर एक हस्बैंड का मिस्ट्रियसली डेथ हो जाता है और इसका एमडी रेटिंग मिला 6.1 out of 10 और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर सेवन, प्लेयर्स। ये 2012 का हिस्ट फिल्म है जिसको डेट किया है अब्बास मुस्तान ने और इसमें अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, नील नितिन मुकेश, बिपाशा बसु लीड रोल में है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर एट, डेविड। ये 2013 का क्राइम ड्रामा फिल्म है और इसमें विक्रम, नील नितिन, ताबू, मोनिका लीड रोल में है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर नाइन, थ्री जी। ये 2013 का हॉरर थ्रिलर फिल्म है और इसमें नील नितिन मुकेश, सोनल चौहान लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर टेन, शॉर्टकट रोमियो। ये 2013 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है सुशी ने और इसमें नील नितिन मुकेश, पूजा गुप्ता, अमीषा पटेल लीड रोल में है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 11, कत्थी। ये 2014 का तमिल एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है एआर मुरुगादोस ने और इसमें थलापति विजय, समंता और नील नितिन मुकेश लीड रोल में है। इसमें दोनों एक जैसे देखने वाला आदमी कैसे गरीब किसानों का मदद करते हुए इसमें दिखाई गई है और इसका बजट था 80 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 100 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 135 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 12, प्रेम, रतन, धन, पायो। ये 2015 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है सूरज बजेतेनिया और इसमें सलमान खान, सोनम कपूर और नील नितिन मुकेश लीड रोल में है। इसमें अपने राज्य अभिषेक के 4 दिन पहले एक मर्डर की प्रेस से बचने के लिए एक टाफ राजकुमार को एक ही जैसे देखने वाले एक रोमांटिक लड़के से बदल दिया जाता है और ये फिल्म 2015 का सेकेंड हाइस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म रहा और इसका एमडी रेटिंग मिला 4.5 out of 10 और इसका बजट था 180 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 230 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 432 करोड़ और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। नंबर 12, वाजी। ये 2016 का क्राइम थ्रिलर फिल्म है और इसमें फरहान अख्तर, अमिताभ बच्चन, अदिति राव हैदरी, नील नितिन मुकेश लीड रोल में है। इसमें एक सस्पेंडेड एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऑफिसर और एक व्हीलचेयर में रहने वाला चीज प्लेयर के बीच में रिलेशनशिप को दिखाई गई है और इसका एमडी रेटिंग मिला 7.1 out of 10 और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। नंबर 14, इंदु सरकार। ये 2017 का पीरियड पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है और इसमें कीर्ति कुल्हाड़ी, नील नितिन मुकेश लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 15, गोलमाल अगेन।
यह 2017 का सुपरनेचुरल एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने और इसमें अजय देवगन, अरशद वर्षी, परिणीति चोपड़ा, नील नितिन मुकेश लीड रोल में है। इसमें 5 अनाथ आदमी ने अपने ऑर्फनेज में वापस आते हैं अपने मेंटर का अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, पर बाद में खुशी नाम के एक भूत से कैश एनकाउंटर करते हुए इसमें दिखाई गई है। और यह फिल्म बॉलीवुड का वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रहा और इसका IMDb रेटिंग मिला 4.9 out of 10 और इसका बजट था 80 crore और इंडियन कलेक्शन रहा 205 crore और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 310 crore और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 16 इश्केरिया। ये 2018 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें नील नितिन मुकेश और ऋचा चादा लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 17 दशहरा। ये 2018 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें नील नितिन मुकेश तेना देसाई लीड रोल में है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 18 कवचम। ये 2018 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें बिलम कुंडा श्रीनिवास, नील नितिन मुकेश, काजल अग्रवाल लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 19 साहो। ये 2019 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डेट किया है सुजीत ने और इसमें रेबल स्टार प्रभास, श्रद्धा कपूर, नील नितिन मुकेश लीड रोल में है। इसमें एक आर्सेनल वेपन वाला हीरो के साथ सिटी के हैवली आर्म थग्स के बीच में बैटल को दिखाई गई है और ये 2019 का मोस्ट हाइप वाला फिल्म था और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.3 out of 10 और इसका बजट था 325 crore, इंडियन कलेक्शन है 310 crore, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 440 crore और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 20 बाईपास रोड। ये 2019 का थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इसमें नील नितिन मुकेश, आदा शर्मा लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 21 फिरकी। ये 2020 का अपकमिंग थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अंकुश भट्ट ने और इसमें जैकी श्रॉफ, नील नितिन मुकेश, के मेनन और शिवानी लीड रोल में है और इस फिल्म पे काफ़ी थ्रिलिंग ट्विस्ट को दिखाया जाएगा और रिपोर्ट्स का मुताबिक ये फिल्म रिलीज होगा 2020 में। तो दोस्तों आप इस अपकमिंग फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये रहा नील नितिन मुकेश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। इन सभी फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सर के बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।